दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट राजा वीडियो। दोस्तों, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों छात्रवृत्ति कैसे अपने कल्याण पोर्टल से छात्रवृत्ति कैसे भरें। दोस्तों, आज हम पूरा डिटेल में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखें, पूरा समझ में आएगा दोस्तों, और अपने घर बैठे मोबाइल से भी छात्रवृत्ति भर सकते हैं। दोस्तों, हम बोले कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। आगे बढ़ने से एक बार फिर बोलेंगे कि जो दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। उसका साइड है kalyan.c.g.u.a। यहाँ पे सबसे पहले हम जाएंगे लॉगिन में, स्टूडेंट लॉगिन क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए हम आएंगे सबसे पहले साइन अप में। तो साइन अप में यहाँ पे नाम क्लिक करेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर बोलता है, मोबाइल नंबर डाल देना जिसको जो आपका है सही। यहाँ पे ईमेल पूछ रहा है, यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है। डिटेल रीड इंट्रोडक्शन नॉट डन। दोस्तों, अगर यहाँ पे ओके करने के बाद इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, हमने ओके कर दिए। कल्याण सक्सेसफुली इन कल्याण डिटेल आर सेंड मोबाइल सक्सेसफुली सेंड हो गया। लेकिन मेरा क्या है यूजर नेम और पासवर्ड दबा दिया। दोस्तों, अब यहाँ से हम साइन इन करते हैं, मोबाइल में जाते हैं, क्लिक करेंगे स्टूडेंट नेम से। मेरा नाम था मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक विद इन आउटसाइड एंड स्टेट साइड फ्रेश एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, ये कोई भी स्टेट भर सकता है जो इससे रजिस्टर्ड हो कल्याण पोर्टल। दोस्तों, यहाँ पे ऑनलाइन में क्लिक करना है। जैसे आप ऑनलाइन में क्लिक करोगे, प्लीज क्लोज द ब्राउजर इन अगेन ओपन द ब्राउजर। दोस्तों, घबराएं नहीं, ये लिखता है कि आपका सेशन एक्सपायर हो गया है, इसलिए इसको ओपन करके फिर से लॉग इन करें। डालेंगे
सूर्या बात कर रहे थे इसके बारे में, दोस्तों कि आगे क्या करना है, यहाँ पे ऑनलाइन में क्लिक करना है तो ऑनलाइन में क्लिक करते ही आपका साइट खुल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि आप स्टेट साइट से भर रहे हैं या राइट के बाहर से भर रहे हैं, हम स्टेट से भर रहे हैं ठीक है, झारखंड से। यहाँ पे सिलेक्ट करना है रेगुलर है ठीक है दोस्तों, जितना स्टार लगा हुआ है वो डालना जरूरी है। आपका पास किया है मैट्रिक, मान लीजिए आप पास किए हैं 2019 में मैट्रिक, अभी इंटर फर्स्ट ईयर में है। यहाँ पे लिंक पूछ रहा है ईमेल की, मेल जो भी डाल दें यहाँ पे, ये जरूरी नहीं है फिट ऊपर से आपका डाला हुआ है, ये जरूरी है। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है आपके पिता जीवित है या नहीं, अगर है तो यस करें, आपके माता जीवित हैं या नहीं यस करें, आपके माँ जीवित है या नहीं आपका विवाह साथ करते हैं, माँ का नाम डालें, यहाँ पे डाल देना है नॉट वर्किंग, बालक का नाम हो गया। यहाँ पे गार्जियन पूछ रहा है यहाँ पे फैमिली इनकम जो आप आए बनाए होंगे दोस्तों वो लगेगा, यहाँ पे मान लीजिए आपको आगे हम बताएंगे कि आपको क्या क्या जरूरी पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे पिछला ईयर में डाल दें दोस्तों, आप पिछला ईयर में मैट्रिक में था, आपका टोटल 500 मार्क्स था, 300 नंबर लाया, आपका डिवीजन फर्स्ट है। दोस्तों यहाँ कॉलेज पूछ रहा है कि आप कौन कॉलेज से एडमिशन लिया है, प्रखंड कौन है आपको, यहाँ पे पूछ रहा है सभी जी एक्स से हैं आप, यहाँ पूछ रहा है तीन सौ कॉलेज से, अगर आप आदर्श कॉलेज से लिए एडमिशन करते हैं आदर्श कॉलेज से। दोस्तों आप जब एडमिशन लिए उसमें आपको रसीद मिला होगा दोस्तों, वो रसीद का नंबर डाल एडमिशन डेट डाल दे दोस्तों जब आप एडमिशन कराए हो। दोस्तों कोर्स यहाँ डाल दें आप अभी कोई सपोर्ट नहीं, अगर आप इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट में हो आर्ट क्लिक कर दें, अगर आप फर्स्ट ईयर में आप फर्स्ट में कर दें। और दोस्तों यहाँ पे सबका डेयर रहेगा, पोस्टुलर कोई नहीं है कि यहाँ डेयर क्लिक कर दें, यहाँ पे आपका जो बैंक है बैंक क्लिक करें, यहाँ पे ये आपका जो भी बैंक हो अपना बैंक क्लिक करते हैं, आपके अकाउंट नंबर डाल देते हैं उनको, दोस्तों यहाँ पे एड्रेस पूछता है आपका जो भी एड्रेस है दोस्तों वो एड्रेस डाल दें, आप परमेंट पूछता है यहाँ पे, ईमेल पूछ रहा है, मोबाइल पूछ रहा है, यहाँ पे एड्रेस पूछ रहा है, यहाँ पे पिन कोड पूछ रहा है, उसको परमानेंट एड्रेस भी पूछ रहा है, यहाँ पे यहाँ पर परमानेंट में कहाँ पे हुआ आपका करंट एड्रेस, ये ऊपर वाला कम्युनिकेशन एड्रेस उसको ये करंट एड्रेस है, नीचे का जो यहाँ लिख रहा है ये परमानेंट एड्रेस है, यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे डाल दें पिन कोड डाल दें, यहाँ पे एड्रेस पूरा डाल दें। दोस्तों यू आई डी नंबर डालना जरूरी है, यहाँ पे दोस्तों देखिए आप बता रहे थे कि क्या क्या जरूरी होगा वो आगे बताएंगे, देखिए दोस्तों वो आ गया समय, यहाँ पे स्टूडेंट का फोटो डालना है, यहाँ पे क्लिक करके जो भी स्टूडेंट का फोटो होगा यहाँ पे चॉइस करना आए दोस्तों, आपको आवासीय लगेगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि
दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो आप बाद में पोस्ट मैट्रिक ताज़ा अप्लीकेशन के साथ छात्रवृत्ति रजिस्ट्रेशन पेश करें माध्यम में जाकर अपलोड कर सकते हैं। ध्यान दें दोस्तों, जाकर डिजिटल जारी किए सर्टिफिकेट ही चलेगा, ठीक है, ना आपके ऑफलाइन सर्टिफिकेट अब नहीं चलेगा दोस्तों। और जो आय प्रमाण पत्र की वैधता है दोस्तों वो 1 अप्रैल से होना चाहिए। 1 अप्रैल से अगर पहले आपका जारी हुआ होगा दोस्तों तो वो नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे रेसिडेंशियल का यहाँ पे आई स्विच करना है, यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट नंबर डालना है दोस्तों, यहाँ पे कब इशू हुआ है उसका नंबर डालना है दोस्तों, फिर यहाँ पे कास्ट नंबर सर्टिफिकेट चूज करना है उसका नंबर डालना है दोस्तों, और फिर यहाँ पे इशू नंबर डालना है दोस्तों, फिर यहाँ पे आपको दोस्तों इनकम पूछ रहा है, इनकम डालना है उसका नंबर डालना है दोस्तों, सर्टिफिकेट नंबर, फिर आप इशू डेट डालना है दोस्तों। कॉलेज से बोनाफाइड आपको लाना होगा, ठीक है, जो कॉलेज में आप एडमिशन लिए हो वहाँ पे बोनाफाइड लेगा आपको। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कॉलेज बोनाफाइड सर्टिफिकेट मांग रहा है, उसके बाद आप जो पिछला साल मैट्रिक में अगर आप इंटर में भर रहे हो तो आपको मैट्रिक का यहाँ मार्कशीट देना हो, मतलब आप जो क्लास में भी भर रहे हो उसके 1 साल पीछे का मार्कशीट देना है दोस्तों। यहाँ पे आपको बैंक खाता देना है, देखिए ये आपका हो गया बैंक खाता, ये हो गया आपका पिछले साल का मार्कशीट, ये हो गया आपका बोनाफाइड, यहाँ पे हो गया इनकम, देखिए आगे हो गया यहाँ पे रेजिडेंशियल हो गया, यहाँ पे ये कास्ट हो गया, इसको हटा देते दोस्तों पता नहीं चल रहा, देखिए यहाँ पे ये आपका रेजिडेंशियल हो गया, यहाँ पे कास्ट हो गया, यहाँ पे इनकम हो गया, तो इतना सब डाल देना है। डालने के बाद आप लोगों को बस कुछ नहीं करना है, उसके बाद नीचे जाके यहाँ पे शिक्षा कोड डालना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। उसके यहाँ लिख रहा है प्लीज इंटर यू आई डी नंबर हम नहीं डाले हैं, प्लीज वेट। मेरा सेशन एक्सपायर हो गया दोस्तों, यहाँ से करने के बाद आपको एक प्रिंट आउट निकलेगा दोस्तों, प्रिंट आउट को पिता से साइन करवा के, फादर चाहे गार्जियन जो भी हो उसे साइन करवा के, और खुद से साइन करके दोस्तों अगला जब लॉगिन कीजिएगा उसमें मांगेगा आपको दोस्तों। यहाँ तक करें और आगे के वीडियो फिर हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको क्या करना है दोस्तों। अगर दोस्तों पसंद आए हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। धन्यवाद दोस्तों।